142 बटालियन की रिपू बल और उरियमघाट कैंप में भी छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पालन किया गया। 142 बटालियन के अधिकारी एवं जवानों ने 21 जून को रिपू बल के मुख्यालय जोनाकी नगर गोलाघाट में सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया, जिसमें 142वीं वाहिनी के कमांडेंट ओम प्रकाश, द्वितीय कमान अधिकारी रातुल दास, उप कमांडेंट जुगल किशोर शर्मा, डॉक्टर टी बालाजी एवं अन्य सभी जवानों ने भाग लिया। साथ ही एक विशेष सत्र का आयोजन करते हुए योगाभ्यास किया गया। वहीं दूसरी ओर धनश्री महकमा के असम नागालैंड सीमावर्ती उरियमघाट में स्थित D-142 वाहिनी के रिपूबल के द्वारा उरियमघाट कैंप में भी COVID-19 के मद्देनजर विस्तृत दूरी का ध्यान रखते हुए योग दिवस का पालन किया गया। सी सेक्टर के सेक्टर कमांडेंट रविंद्र बघेल के मार्गदर्शन में D-142 वाहिनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उक्त कार्यक्रम के दौरान अधिकारी और जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। धनश्री महकमा से राकेश यादव की रिपोर्ट। आज 21 जून इंटरनेशनल योगा दिवस, जैसे आप सबको विदित है कि योग भारत वर्ष में प्राचीन परंपरा सभ्यता चल रहा है, ये अभी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। योग से काफी बीमारियां मिटती है, मन के तनाव भी दूर होते हैं। योग का जो उपयोग है हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में काफ़ी बड़े हद तक है। हमारे जवान जो स्ट्रेसफुल ड्यूटी करते हैं और अपने फैमिली से दूर रहते हैं, उनके लिए योग का काफ़ी बड़ा योगदान है। आज के दिन हमारे 142 बटालियन गोलाघाट में भी योग का इंटरनेशनल योगा दिवस का पालन किया गया। इसमें हमारे जवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अभी कोरोना महामारी के वजह से हम लोगों ने जो प्रोटोकॉल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह में मास्क लगा के योग किया है, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, हम अपने ड्यूटी के जो अपना एरिया है उसमें भी लोगों को समझाएंगे, जिससे लोग भी लाभान्वित होंगे।